हम इसे कहते हैं धरती माता, हम इसे कहते हैं भारत माता। इस देश में देवियों का नाम पहले लिया जाता है, हमारे यहाँ योद्धा रानियों का जन्म हुआ है। अब कैसे इसको बर्बाद करना है, तो इसके मेन सूत्रधार है पहला बॉलीवुड, दूसरा टीवी सीरियल और तीसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेलिंग में जाऊंगी कि 25 वर्ष तक की बच्चियों को, युवा बच्चियों को बिगाड़ने का काम जो है वो बॉलीवुड वाला करेगा कि वो फिल्में ऐसी बनाएगा कि जिसमें जो लड़की होगी वो हिंदू की होगी, लड़का जो होगा वो मुसलमान होगा। और फिर ये लोग ये दिखाते हैं कि हिंदू की लड़की केदारनाथ की यात्रा करती है और यात्रा करते करते खच्चर टट्टू चलाने वाले से वो प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ भाग जाती है, ये लोग ये दिखाते हैं। अब हमारी जो बच्चियां जो चार धाम की यात्रा करती है या जो भगवान वैष्णो देवी माता की यात्रा करेगी या किसी भी ऐसी जगह यात्रा करने जाएगी, तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों पर जनरली खच्चर टट्टू चलाने वाले ये जिहादी ही होते हैं। क्या हमारी महिलाएं, क्या हमारी बच्चियां भगवान की पूजा अर्चना करने जाती है या ये इन पंचर छापों से नैन पटक्का करने जाती है? हमारे ही लोग उनकी पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखकर तालियां भी बजाते हैं और उसको करोड़ों का बिजनेस भी करके देते हैं। ये तो हुए 25 वर्ष की, क्योंकि एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, जिसमें सारा अली खान का, क्योंकि वो लेटेस्ट क्रश है अभी जो युवा बच्चिया है उनका, तो सारा अली खान का एक डायलॉग था और ट्रेन में जा रहे थे और जाते जाते एक चर्चा होती है उसका, वो और हीरो मिलता है ट्रेन में और दोनों अपनी लव स्टोरी बताते हैं और वो जो लड़का है वो लड़की पूछती है सारा अली खान उसको कि तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बताओ, तो कहता है मैं अब शादी हो रही है मेरी, बस मैं अपनी शादी में ही जा रहा हूं। तो कि किससे हो रही है, तो बोले मेरे समाज की लड़की है, मेरे गाँव की लड़की, हम साथ में ही पढ़ते थे। तो बोले ले ये और कोई लव स्टोरी है, तो बोले और कैसी होती है, तो बोली मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियां भाई और ये है असली लव स्टोरी। दैट वाज द डायलॉग इन दैट फिल्म। अब हमारी बच्ची छोटी सी उम्र है, 13-14 साल की बच्ची, वनरेबल माइंड होता है, प्यार का खुमार होता है उस वक्त, जुनून होता है, बॉडी में हॉर्मोनल चेंज आता है, उसको भी लव स्टोरी अपनी बनानी होती है। पर क्योंकि सारा अली खान ने कहा है कि लव स्टोरी वो है कि मियां भाई से तुम प्यार करोगे, तो वो लव, तो हमारी लड़की ये देखती है कि भाई अपने तो शाहरुख से लव स्टोरी चलानी, अपने तो आमिर खान से चलानी है क्योंकि उसका बाप ही सैफ अली खान है, तो उसको सैफ अली खान मिला, भाई तुझे सैफ पंचर छाप मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड और रियल लाइफ ये दो अलग चीज है। पर हमारी बेटियां ये समझती नहीं, तो 13-14 साल की बच्ची के दिमाग में ये कि अगर प्यार करना है तो मुसलमान से करो, मैं इतिहास में छप जाऊंगी, मेरी तो लव स्टोरी बन जाएगी, फिर वो अलग बात है, वो 35 टुकड़ों में आती है। दूसरी बात ये कि 25 साल की लड़कियों को ये बिगाड़ रहे हैं, 25 से 35 साल की शादीशुदा महिलाओं को बिगाड़ने का काम एकता कपूर जैसी महिलाएं अपनी टीवी सीरियल के माध्यम से करती है। कैसे करती है कि वो अपने टीवी सीरियल में एक महिला बिल्कुल टिपिकल हमारे ड्रेसअप में, अच्छी सी साड़ी, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ा सिंदूर, बड़ी बिंदी, पीछे अंबे माँ का बहुत बड़ा स्टैच्यू होगा, आप देखना उसके सारे सीरियल में ये इंडिकेट्स होता है कि हिंदू धर्म को बर्बाद कर दो। देखिए कोई भी देश को बर्बाद करने के लिए बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है, आप उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा, यही षड्यंत्र चल रहा है। तो इस देश में महिलाओं और बेटियों के दिमाग को खराब कर दो, क्योंकि हम परिवार व्यवस्था में समझते हैं, तो जो बेटी हमारी आज हमारे घर की बेटी है वो किसी के घर की बहू बनेगी और वो दो परिवारों को जोड़ती है, तो उन परिवारों को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो होता क्या है, दिखाएंगे क्या सीरियल में, प्यार एक से करेगी, शादी दूसरे से करेगी, फिर जीवन में कोई तीसरा आएगा, दूसरा मर जाएगा, फिर चौथा पसंद आएगा, फिर दूसरा जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी चौथे के साथ जाऊं कि दूसरे के साथ जाऊं, यही दिखाती है वो। क्या सच में यहां जो मेरी महिला, मेरी बहने बैठी है, वो बताओ कि क्या हम हिंदू महिला है चार चार पुरुषों के साथ संबंध रखती है, बताओ जोर से बोलो। क्या हमारे परिवारों में ये होता है कि हम एक को पसंद करते हैं, हम दूसरे से शादी करते हैं, फिर हमें तीसरा पसंद आता है, फिर हमारा मर जाता है पति, फिर हमें चौथा अच्छा लगता है, और जो मर गया पति वो सडनली जिंदा हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं हम किसके साथ जाए, क्या हमारी ये वैल्यू है? यही सीरियल हम देखते हैं और हम तालियां बजाते हैं और हम हमारी बेटियों को भी यही टीवी सीरियल दिखाते हैं। इन सारी टीवी सीरियल में एक ही चीज कॉमन क्या है, जो सास है वो एक नंबर की नालायक, जो ननंद है वो एक नंबर की नालायक, और ये दोनों बहू के खिलाफ प्लानिंग करेगी।
तो अब जो वनरेबल बेटी अपनी माँ के साथ वो टीवी सीरियल देख रही है उसका दिमाग कैसे खराब होता है, उसको पहले से जैसे अनकॉन्शियस माइंड में चीजें कैसे काम करती है, उसको दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा कि मेरी सास भी मुझे ऐसे ही मिलेगी। क्यों हमारे हिंदू परिवार टूट रहे, क्यों आजकल हमारी बेटियों को ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं आता है, उसे शादी के दूसरे दिन अलग होना है। वो पहला फोन अपनी माँ को करेगी और माँ कहती है ज्यादा चिक चिक करे तो तू आ जाना मेरे घर में। हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया था कि तेरी डोली उठ रही है, तू इस घर में है, वापस तभी आएगी जब तुझे प्यार से आना है, तू तेरी अर्थी वहीं से ही उठेगी, हमें तेरी घर में एंट्री नहीं देंगे। ये हमें बचपन में सिखा दिया गया था, इसलिए आज भी हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हम ससुराल में रहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था को हमने बनाए रखा है। फिर एकता कपूर क्या करेगी अनुपमा जैसी सीरियल में, ये एक ऐसी सीरियल है इसमें इतने ब्रेकअप और इतने डिवोर्स दिखा दिए कि इतने तो मुझे लगता है यहाँ जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई बैठे इनके जान पहचान परिवार पूरे खानदान में नहीं हुए होंगे, इतने उस एक सीरियल में दिखाए। अब हमारी बेटी जो वहां जाती है उसको लगता है मेरी ननंद नालायक, मेरी सास नालायक, इसलिए अब देखो सास बहू में निपती नहीं, पहले कैसे निपती थी, पहले कैसे रहते थे। और तीसरा जो मैंने कहा ओटी थी, 35 से 45 वर्ष तक की महिला जो कि वर्किंग वुमेन है, जो जॉब करती है, उस महिला को कैसे दिमाग खराब करना है फेमिनिज्म के नाम के पर। यदि आप नौकरी कर रही है तो आपको परिवार नहीं चाहिए, आपको पति नहीं चाहिए, आपको सास ससुर नहीं चाहिए, वो सब आपके पैर की जूती, क्योंकि आप वर्किंग वुमेन है। आप नौकरी कर रही है और एक हाथ में दारू का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी गालियां बको और आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहो, क्या ये फेमिनिज्म है? ये फिल्म क्यों नहीं बनाते नायिका देवी पर, दुर्गावती पर, रानी कमलावती पर, रानी चिन्नमा पर, रानी अब्बका पर, रानी लक्ष्मीबाई पर? ये ऐसी फिल्म क्यों बनाते हैं? ये बनाए रानी नायिका देवी पर फिल्म के जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाकर गुजरात से मार के भगाया था और वो 13 साल तक वापस भारत में नहीं आया था। ये इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि भारत की बेटी को करीना खान बनाकर उसकी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करवाने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं चाहते कि हमारे देश की बेटी दुर्गावती